तो हाय गाइस, मैं सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जूम चैनल। तो चलिए गाइस, आज की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने लाइट रूम ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए आल पर क्लिक कर ले रहा हूँ। एंड गाइस, ये जो हमारा मॉडल है हम इसे ओपन कर लेंगे गाइस। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे इस सनलाइट वाले आइकन में, मतलब लाइट वाले टूल में। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, इसको ऑटो सेट कर लेता हूँ। तो गाइस, ऑटो सेट करने के बाद हम जाएंगे इस ट्राइंगल वाले आइकन में, यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, इसमें साथ में दे देंगे और मास्किंग को और नॉइस रिडक्शन को। तो यहाँ से हो गया डन। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा इस कलर वाले टूल में, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। उसके बाद मिक्स टूल, और गाइस मिक्स टूल में आने के बाद हम इसमें सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा। उसके बाद दूसरे वाले आइकन में आएंगे, इसमें हम ल्यूमिनस को फुल बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन थोड़ा सा करेंगे माइनस। उसके बाद गाइस, इस येलो कलर वाले आइकन में आना है, जिसमें हमें ह्यू को फुल माइनस कर लेना है और सैचुरेशन को फुल बढ़ा लेना है एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा। उसके बाद गाइस, इस ग्रीन वाले आइकन में आना है, इसमें भी हमें ह्यू को फुल माइनस एंड सैचुरेशन को फुल बढ़ा लेना है गाइस एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद गाइस, इस एक्वा कलर वाले आइकन में आना है, इसमें भी ह्यू को फुल माइनस और सैचुरेशन बढ़ा लेंगे और ल्यूमिनस को थोड़ा सा करेंगे माइनस। तो इतना माइनस कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, इस ब्लू कलर वाले आइकन में आना है, इसमें हम सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे एंड ह्यू को इतना माइनस कर लेता हूँ और ह्यू को इतना माइनस कर लेता हूँ एंड ल्यूमिनस को कर लूँगा भी इतना माइनस कर लेता हूँ ल्यूमिनस को। उसके बाद यहाँ से कर लूँगा डन। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा इस इफेक्ट वाले टूल में, इसमें हम क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं इतना एंड गाइस को थोड़ा सा। तो उसके बाद गाइस, विगनेट को थोड़ा सा कर लेंगे माइनस एंड मिड पॉइंट को इतना माइनस कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, इस क्लिप को सेव करने के लिए हमें जाना होगा थ्री डॉट पर। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, यहाँ पर लिखा सेव टू डिवाइस, तो सेव टू डिवाइस कर लेता हूँ एंड यहाँ से ओके। तो गाइस, मैंने पिक्सआर्ट को ओपन कर लिया हूँ और फोटो को ऐड कर लिया हूँ गाइस। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस ड्रॉ टूल में। तो गाइस, यहाँ से मैं ड्रॉ टूल में चला जाता हूँ एंड गाइस, ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद हमें जाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा यहाँ पे और फोटो लेयर। तो गाइस, हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है गाइस। तो यहाँ से कर लेता हूँ डन। उसके बाद गाइस, यहाँ पे थ्री डॉट पे हमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले को और इसको हम एडजस्ट करेंगे गाइस इस तरीके से। तो मैं इतना एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस और यहाँ से कर लूँगा डन। और इसको गाइस, फिर से हमें थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ से कर दूँगा मार्श एंड फिर से थ्री डॉट पर जाना है गाइस यहाँ से एंड फिर से मार्श और यहाँ से डन कर लूँगा गाइस। उसके बाद गाइस, हमें इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डालना है। तो यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे गाइस। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा इसमें एफएक्स में और एचडीआर को सेलेक्ट करना है गाइस एंड यहाँ से यहाँ पे गाइस। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, इसको जूम कर लेता हूँ और इसमें जो फेस है फेस को मिटा लेता हूँ गाइस इतना अपने हिसाब से। तो इतना हो गया गाइस। तो यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ और यहाँ से भी डन। तो देखिए गाइस, हमारे पिक कितना ऑसम दिख रहा है एडिटिंग होने के बाद। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें फिर से जाना होगा इस ड्रॉ टूल में। यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, यहाँ पे थ्री डॉट पे गाइस। तो यहाँ से थ्री डॉट पे चला जाता हूँ एंड यहाँ पे सेव इमेज कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।